मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज जो हम मूवी देखने वाले हैं वो हमारे ब्लैक स्पैरो फैमिली के सब्सक्राइबर हैप्पी टीवी के डिमांड पर है, और मैं इसलिए आज से इनकी डिमांड पर द फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आज से इस रफ्तारी मूवी का पहला पार्ट द फास्ट एंड फ्यूरियस 2001 को एक्सप्लेन करूँगा। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 out of 10, और सड़े हुए टमाटर पर ये 53% फ्रेश है एंड 93% गूगल यूजर्स लाइक किया है। सो बिना किसी बकचोदी के लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। फिल्म की स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कॉल पर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि रॉदर्स नाम के एक ट्रक के अंदर पूरी तरह से पेटी बैग माल भरा हुआ है ताकि इसके दोस्त लोग उस ट्रक के माल को चुरा सके। फिर हम इसके साथी को देखते हैं जो कि उस रॉदर्स ट्रक का पीछा करते हैं और उस ट्रक के ड्राइवर को ये लोग मार के बेहोश कर देते हैं। फिर ट्रक को लेकर 9:11 हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एक ग्रीन स्पोर्ट्स कार को दिखाते हैं जिसमें हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम ब्रायन होता है, और ये बंदा कार रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद ये एक होटल में जाता है और वहाँ पर एक मियाँ नाम की लड़की को डाने डाल रहा होता है कि तभी मियाँ के टीम वाले आ जाते हैं और ब्रायन को मियाँ के ऊपर लाइन मारते हुए देख विंच नाम का बंदा ब्रायन से लफड़ा कर लेता है, जिस पर मियाँ अपने भाई डोमिनिक को बोलती है तुम जाकर उन दोनों का मैटर सॉल्व करो। जहाँ डोमिनिक आता है और वो इन दोनों की फाइट सॉल्व करके ब्रायन को वार्निंग देता है कि तुम दोबारा इस जगह पे कभी दिखना मत, नहीं तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। और अब इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए रात को एक अंडरग्राउंड कार रेसिंग में आता है जहाँ पर और उस स्ट्रीट रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है जहाँ पर डोमिनिक भी आता है और सभी लोग वहाँ पर सट्टा लगाते हैं। जहाँ पर ब्रायन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन कार के पेपर से, और वो डोमिनिक को चैलेंज करता है कि अगर मैं जीता तो कार के साथ इज्जत भी लेके जाऊंगा और अगर हार गया तो तुम मेरी कार ले जाना। जिसके बाद इनका रेस चालू होता है और यहाँ पे सभी की गाड़ी हवे से बात कर रही होती है और ब्रायन भी बूस्टर्स लगाकर अपनी गाड़ी को आगे भगा रहा होता है। और अब वो जीतने वाला होता है कि डोमिनिक उससे आगे निकल जाता है और रेस को जीत जाता है। लेकिन फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देख वहाँ पे सभी रेसर्स अपने कार लेकर भाग जाते हैं और डोमिनिक भी अपनी गाड़ी को पार्क करके सुमड़ी में निकलने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो डोमिनिक का पीछा करती है। तो डोमिनिक उनसे बचने के लिए भागता है और एन मौके पर ब्रायन अपनी कार लेकर आता है और वो डोमिनिक को लिफ्ट देता है, जिसके बाद ये दोनों पुलिस को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। और ये लोग घर जा ही रहे थे कि तभी एक बाइकर्स का ग्रुप आता है और वो इन्हें गन पॉइंट पर रख कर एक होटल में लेके आता है। और इन बाइकर्स का लीडर एक चाइनीज होता है जिसका नाम जॉनी ट्रैन होता है और वो डोमिनिक से नेक्स्ट रेस में मिलने की बात बोलता है। फिर ये चाइनीज जॉनी और इसका छोटा भाई दोनों मिलकर कार पर फायरिंग करते हैं जिससे कि कार में ब्लास्ट हो जाता है और कार बर्बाद हो जाती है। दैन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिक ब्रायन को अपने घर लेकर आता है और घर में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जहां डोमिनिक एंग्री मैन बनकर ग्रुप वाले पे भड़कता है और कहता है कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ के आए थे और ना ही कोई मुझे लेने आया, अगर आज ब्रायन नहीं होता तो मैं जेल में होता। फिर ब्रायन डोमिनिक के बहन मियाँ से बात करता है और ये दोनों अकेले में गुफ्तगू करते हैं। देन नेक्स्ट डे ब्रायन को दो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसे एक हेडक्वार्टर्स लेके जाते हैं जहां एक ट्विस्ट रिवील होता है कि ब्रायन भी एक पुलिस ऑफिसर है और वो ट्रक के चोरी वाले मिशन पर है, क्योंकि FBI के अनुसार ये चोरी हो ना हो कोई स्ट्रीट रेसर ही कर रहा है। इसीलिए वो लोग ब्रायन को डोमिनिक के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए कहते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर इन्हें बता सके कि आखिर असली कल्प्रिट
है कौन। फिर नेक्स्ट सीन में हम ब्रायन को देखते हैं जो कि एक खटारा गाड़ी लेकिन जबरदस्त इंजन वाली रेस की रानी को लेकर आता है, क्योंकि ब्रायन रेस हार जाता है और शर्त के अनुसार उसे एक गाड़ी डोमिनिक को देनी होती है, और इसके बाद डोमिनिक उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और ये लोग उस खटारा को रेस की रानी बनाने में लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्रायन अपने शॉप में होता है जहां हेक्टर नाम का आदमी आता है और वो अपने कार्स के लिए सुपर लेवल के स्पेयर पार्ट्स खरीदता है। फिर रात में हम ब्रायन को देखते हैं जो कि हेक्टर के गोडाउन में आकर ट्रक्स में से चोरी हुए कार्स के पार्ट्स को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद हो ना हो हेक्टर ही है जो कि ये सब चोरी करवा रहा है ताकि वो एक सुपर मॉडिफाई कार बना सके। और उसकी जासूसी चालू थी कि तभी वहाँ पर विंस आ जाता है और वो ब्रायन को एक घुसा मार के बेहोश कर देता है, और आग खुलने पर ब्रायन अपने आप को डोमिनिक और विंस के सामने पाता है, और विंस डोमिनिक को कहता है कि ये धोखेबाज है, ये शायद कोई पुलिस वाला है। लेकिन ब्रायन अपने बचाव में कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर हेक्टर के कार को देखने आया था कि आखिर वो कौन सी कार को इतनी मॉडिफाई कर रहा है। जिसके बाद डोमिनिक और विंस ब्रायन को लेकर एक होटल के गोडाउन में आते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर फिल्म के स्टार्ट में उन दोनों चाइनीज़ भाइयों ने ब्रायन की गाड़ी को बर्बाद कर दिया था। जहाँ ये देखते हैं कि उन चाइनीज़ भाई के कार्स में इंजन ही गायब होते हैं, और तभी वहाँ पर वो चाइनीज़ जॉनी आ जाता है, जहाँ ये तीनों उसे छुप जाते हैं। और ब्रायन देखता है कि वहाँ पर उसी ट्रक से चुराए हुए सामान जो कि DVD और पैनासोनिक कंपनी के कुछ सामान होते हैं, तो अब ब्रायन को शक होता है कि हो ना हो ये चाइनीज ही इस सब चोरी के पीछे है। देन ब्रायन ये सारी इन्फॉर्मेशन FBI और पुलिस वाले को बताता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें डोमिनिक पे शक नहीं है क्या। तो ब्रायन कहता है कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए, और वो डोमिनिक से मिलने जाता है जहाँ पर डोमिनिक उसे अपने डैड की फेवरेट कार दिखाता है और उसके डैडी की दर्दनाक मौत के बारे में बताता है। और डोमिनिक ये भी बोलता है कि इसी के बाद से मैं इस रेस की दुनिया में कदम रखा और मैंने एक आदमी पे एक कील से हमला किया था जिसकी वजह से मुझे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ा, इसलिए मुझे दिल से सख्त नफरत है। और फिर रात में ब्रायन और मिया ये दोनों डिनर पे आते हैं, जिसके बाद ये लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे आते हैं, और एंड में ये लोग बिस्तर में जाते हैं, जहाँ पर पुलिस वालों का ब्रायन को कॉल आता है और वो लोग कहते हैं कि एक और ट्रक चोरी हो चुका है, इसलिए अब हम वेट नहीं कर सकते और हम सीधा उस चाइनीज के घर पे उसे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। जिसके बाद ब्रायन, पुलिस वाले और FBI के एजेंट्स, ये सभी लोग मिलकर उन दोनों चाइनीज भाइयों के घर में घुसकर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर ब्रायन पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन गलत थी और ये चाइनीज जॉनी एक अमीर बाप का लड़का है जिसके बाप ने इसे ये सारी DVD परचेस करके दी थी और अब उसके बाप ने उसकी बेल भी करा दी है, इसलिए तुम हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो दो ही मत, और तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं, या तो तुम उस कल्प्रिट का पता लगा लो या फिर अपने लिए कोई नई नौकरी देख लेना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम डोमिनिक को देखते हैं जो कि ब्रायन को उसकी नई नवेली रेस की रानी दिखाता है, जिसके बाद ये दोनों उसमें बैठकर टेस्ट ड्राइव पर आते हैं, जहाँ पर एक घमंडी फरारी वाला इनके साथ रेस करता है, पर ब्रायन उस रेस को बीच में छोड़ देता है। और ब्रायन और डोमिनिक ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर डोमिनिक पूछता है कि आखिर तुमने उसे जीतने क्यों दिया और रेस क्यों छोड़ दिया। तो ब्रायन बताता है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे तुम्हारी तरह पैसे कमाने हैं, आखिर तुम कहाँ से इतना सारा पैसा लाते हो जिससे कि तुम तुम्हारी गाड़ियों को इतनी बेहतरीन बनाते हो, और मुझे भी वही बिजनेस करना है। तो डोमिनिक कहता है कि पहले तुम इस रेस को जीत के बताओ, तब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। देन सीन शिफ्ट होकर सीधा हमें रेस ट्रैक का दिखाते हैं, जहां पर डोमिनिक के सारे टीम मेंबर्स एक के बाद एक रेसिंग करते हैं और ये सभी जीतते हैं, लेकिन जेसी नाम का बंदा होता है
उसकी रेस चाइनीज जॉनी से होती है और जेसी उस चाइनीज जॉनी से हार जाता है और हारने के बाद जेसी कार लेके फरार हो जाता है, जहाँ चाइनीज जॉनी डोमिनिक के पास आता है और वो उससे जेसी की कार मांगता है और बातों ही बातों में इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है, जहाँ पर डोमिनिक उसे लिटा लिटा के कुत्ते की तरह मारता है। फिर रात में ब्रायन देखता है कि डोमिनिक और डोमिनिक की टीम के बाकी साथी ये सभी ट्रक लूटने जाते हैं और ब्रायन मिया को सच बताते हुए कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और अब उन्हें उसके भाई को ट्रक लूटने से रोकना होगा, नहीं तो इस बार डोमिनिक पकड़ा गया तो उसे जेल हो जाएगी। जिसके बाद मिया और ब्रायन ये दोनों कार लेकर डोमिनिक के पास जाते हैं, जहां पर डोमिनिक, डोमिनिक की गर्लफ्रेंड विंस और एक आदमी ये चारों मिलकर इस ट्रक को लूटने की कोशिश करते हैं, जहां पर विंस उस ट्रक के ऊपर जंप करता है लेकिन ट्रक ड्राइवर ने इस बार अपने हाथ में शॉटगन ले रखा था और वो इन सब पे शूट करता है, जिससे कि विंस उस ट्रक पे फंस जाता है और उसका हाथ भी उस ट्रक में फंस गया था। और ये लोग बहुत कोशिश करते हैं विंस को उस ट्रक से अपनी कार में लेने की, लेकिन ये लोग उस कोशिश में नाकाम होते हैं और उस ट्रक की वजह से डोमिनिक की गर्लफ्रेंड की कार पलट जाती है और डोमिनिक की गर्लफ्रेंड भी इंजर्ड हो जाती है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर डोमिनिक की कार पर भी शूट करता है, जिससे कि डोमिनिक के कार के टायर फट जाते हैं। कि तब के पर ब्रायन और मिया आ जाते हैं और वो किसी तरह विंस को अपनी कार में ले लेते हैं और पीछे से डोमिनिक, डोमिनिक की गर्लफ्रेंड और वो चौथा आदमी आते हैं और वो देखते हैं कि वो विंस बहुत बुरी हालत में होता है, जहां ब्रायन एम्बुलेंस को कॉल करता है और कहता है कि मैं एक ऑफिसर हूँ और मुझे यहाँ पे इमरजेंसी एम्बुलेंस चाहिए, यहाँ पर एक आदमी बहुत बुरी हालत में है। तो वहाँ पर इमरजेंसी हेलीकॉप्टर आता है और वो विंस को लेकर हॉस्पिटल लाते हैं, जिसके बाद ब्रायन अपनी कार लेकर डोमिनिक से बात करने के लिए उसके घर पर आता है, जहाँ पर जेसी भी अपनी कार लेकर आता है और ये सभी बातें होते हैं कि वो दोनों चाइनीज भाई आते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें जेसी की मौत हो जाती है। तो ब्रायन और डोमिनिक अपने अपने कार लेकर इन दोनों चाइनीज भाई का पीछा करते हैं और डोमिनिक अपने कार से छोटे वाले चाइनीज भाई को ठोकर मारता है, जिससे कि उसका भाई इंजर्ड हो जाता है और ब्रायन चलती कार से जॉनी पर शूट करता है और गोली जॉनी को लग भी जाती है, जिससे कि जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है और जगह पर जॉनी की मौत हो जाती है। जिसके बाद ब्रायन और डोमिनिक ये दोनों एक दूसरे को टशंक की आंखों से देखते हैं और इनके बीच एक जिंदगी और मौत की रेस होती है, जहां पर ये लोग मौत को छट से छू कर आ जाते हैं और पुलिस वहां पर डोमिनिक को गिरफ्तार करने आई रही थी कि ब्रायन अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को देता है और कहता है कि मुझे गाड़ी तुमको देनी थी ना, तो ये लो, और डोमिनिक उसकी चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। और अब यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।